तो जो लोग मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हो और फॉलो करते हो, आप सभी लोग जानते हो कि हमारा जो कॉलेज है, मतलब वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंडर जो जो मेडिकल कॉलेज है, हर एक मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है इस टाइम पे। तो हम भी रवाना हो रहे हैं डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए, मतलब हमारा मेडिकल कॉलेज के लिए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते थे एक टूर वीडियो, जहाँ पर मैं डायमंड हार्बर के एंटायर टूर करवाऊंगा वीडियो के थ्रू। तो ये वीडियो थोड़ा आपके सा बुरा लिए लग रहा है, आफ्टर 9 मंथ, मतलब ये टोटल यूट्यूब चैनल ग्रो ही हुआ है मेरे इस घर पे, तो 9 मंथ के बाद हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल में। थोड़ा मज़ा भी हो रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मुलाकात होंगे, वो पुराना वाला जो हम लोग मौज मस्ती करते थे वो भी होगा हॉस्टल में बहुत दिनों बाद। लेकिन थोड़ा सा दुख भी हो वीडियो रहा में है, है बना मुझे, रहा ठीक हूँ, है। ठीक है। आज बहुत सुबह सुबह उठा हूँ एंड आप लोग देख ही सकते हो, रेडी भी हो चुका हूँ, क्योंकि हम लोग ट्रेन से जाएंगे पहले शियालदा, एंड शियालदा से उसके बाद जाएंगे डायमंड हार्बर में, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स एंड डेटाज रहेंगे जो आप जानना चाहते थे। हॉस्टल रूम का भी टूर करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले, उसके बाद लेट्स रोल द इंट्रो। Tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. सो गाइस, हम लोग ऑलरेडी चले आए हैं जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन में। पिछले वाले कुछ क्लिप्स आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ट्रेन अभी भी नहीं आया है, लगभग 1 आवर अभी भी हमें वेट करना पड़ेगा ट्रेन के लिए, थोड़ा ज्यादा आवर ही वेट करना पड़ेगा। तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नॉर्थ बंगाल से जाना चाहते हो डायमंड हार्बर में, तो आपको पहले एनजेपी जाना पड़ेगा, किसी ट्रेवल सिस्टम में, ट्रेन का हो, बस का हो। एनजेपी से शियालदा, शियालदा टू डायमंड हार्बर, लोकल करके डायमंड हार्बर। और बाहर वाले कोई स्टेट में अगर आप रहते हो एंड अगर आप लोग ट्रेवल करना चाहते हो बाई ट्रेन, देन पहले शियालदा में आना पड़ेगा। शियालदा में आकर आपको जाना पड़ेगा डायमंड हार्बर, लोकल से डायमंड हार्बर में। एंड अगर आप लोग प्लेन में कोलकाता एयरपोर्ट में लैंड करते हो, तो वहां से आपको बस ट्रेवलिंग सिस्टम मिलेगा। बस से आपको जाना पड़ेगा धर्मतला, एंड धर्मतला से आपको जाना पड़ेगा डायमंड हार्बर का बस में, ठीक है। ये आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। ये मत समझना कि भैया आपसे एडुकेशन छोड़ के ट्रेवलिंग व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद मिलते हैं ट्रेन जब आएगा उस टाइम पे। सो जो स्टूडेंट्स नीट 2020 के बाद एडमिशन ले रहे हो, तो भाई साहब आप लोगों के साथ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग सोचोगे बहुत पढ़ूंगा, नीट पीजी के प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर में करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जितना भी पढ़ लो कम ही पड़ जाता है, ठीक है। तो लास्ट तक क्या होता है, 10 ईयर्स पेपर ही हमारा मेन सहारा होता है। एंड अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहो तो दैट्स फाइन, लेकिन ज्यादा पढ़ो लेकिन कॉन्सेप्ट लेकर पढ़ो। ऐसा नहीं कि रटना पड़ेगा हर एक चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, तभी आप एक अच्छे खासे डॉक्टर बन पाओगे। ये था मेरा फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस, एंड ऑब्वियसली एज ए सीनियर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। आप कुछ देर बाद मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत सारा बुक मैंने घर पे भी लाया था पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं एटलीस्ट पढ़ पाया, सीरियस सा बात है। हॉस्टल में भी बहुत बुक खरीदा, लेकिन ज्यादा बुक मुझे सूट नहीं किया, मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। इसलिए ज्यादा बुक मैंने ऑब्वियसली नहीं पढ़ा था, ठीक है। मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत कम सा बुक पढ़ता था, लेकिन कॉन्सेप्ट लेकर पढ़ता था। ये एज ए सीनियर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जो भी पढ़ना मन से पढ़ना, कॉन्सेप्ट लेकर पढ़ना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
चुने। तो अब हम जाएंगे सिक्स फ्लोर पर, जहाँ पर हम थोड़ा सा सिनेमेटिक व्यू कैप्चर करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द रूफटॉप ऑफ आवर एकेडमिक बिल्डिंग। यहाँ पर आप लोग खुद को भी देख सकते हो, तो ये बहुत अच्छा लिफ्ट है। हम लोग जब सुबह क्लास में जाते हैं तो ऑब्वियसली कभी भी सीरियसली बताओ तो सच टच कर नहीं जाते, यहाँ पर आकर थोड़ा सा मेकओवर कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर फन। चलिए रूफटॉप में चले जाते हैं इसके बाद रूफटॉप में चले जाते हैं। सो दिस इज आवर सिक्स फ्लोर। यहाँ पर आई थिंक हमारा एग्जामिनेशन हॉल यहाँ पर ही है, और इसके नीचे वाले जितना भी फ्लोर है वहाँ पर पैथो लैब, माइक्रो लैब, एनाटोमी, डिसेक्शन हॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देख लेते हैं रूफटॉप में व्यू कैसा मिलता है हमारे कॉलेज का। ये देख सकते हो नीचे सिक्स फ्लोर पे हम लोग हैं, नीचे व्यू कैसा मिलता है। ऑलरेडी हम लोग रूफ में चले आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं रूफटॉप से व्यू ऑफ आवर कॉलेज। यहाँ पर जो व्यू आपको मिल रहा है ये आप लोग देख सकते हो, ये वाला बिल्डिंग जो है ये दिस इज आवर बॉयज हॉस्टल। वो वाला जो बिल्डिंग आप लोग देख पा रहे हो दैट इज इंटर्न हॉस्टल, ये वाला CMOH का बिल्डिंग है, और 9 मंथ बाद वो कौन सा बिल्डिंग है वो मुझे अभी भी पता नहीं है। एंड वहाँ पर और एक बिल्डिंग आप लोग देख पा रहे हो दैट इज द गर्ल्स हॉस्टल, ओके। एंड वहाँ पर कुछ क्वार्टर्स है जो अभी भी कम्प्लीटली तैयार नहीं हुए हैं। तो ये है एंटायर व्यू। यहाँ पर कुछ पक्षियाँ भी है, लाइब्रेरी अभी भी ओपन नहीं हुआ है, तो लाइब्रेरी से हम लोग व्यू कैप्चर नहीं कर सके। एंड आई थिंक उस जगह पे प्लेग्राउंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए उस जगह से देख लेते हैं, मतलब पिछले वाले साइड से, और क्या क्या लोकेशंस अच्छा खासा मिलता है हमें। सो दिस इज आवर एंटायर डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वो है हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पर मैंने जो अभी अभी आपको दिखाया दिस इज आवर ऑडिटोरियम, और वो वाला पोर्शन जो है दैट इज द बॉयज हॉस्टल। मेरे हाथ के ऊपर ही आ जा रहा है लगभग। ये है ऑडिटोरियम और वो वाला पोर्शन है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो फोर्थ फ्लोर है, और उस जगह पे आप लोग देख पा रहे हो दैट इज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। वहाँ पर भी हम लोग विजिट करेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पर सोलर पैनल बिछे हुए हैं एंटायरली, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, और कुछ व्यूज मैं रूफटॉप से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है एंटायर व्यू। आई थिंक आप लोग यहाँ से रिवर भी देख सकते हो, जो हुगली रिवर रन कर रहा है फ्रॉम एंटायर डायमंड हार्बर, वो भी आप लोग देख सकते हो। आई थिंक उस जगह से, मतलब उस तरफ से आप लोग देख सकते हो, तो वहां पर मैं आपको ले जा रहा हूँ। सो दिस इज आवर डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ से आई थिंक आपको मैं रिवर का व्यू जो होता है वो दिखा सकता हूँ। उस जगह पे आई थिंक रिवर, ठीक है, आप लोग यहाँ से नहीं देख सकते हो वीडियो में, लेकिन यहाँ से ये व्यू तो आप लोग एंजॉय कर ही सकते होंगे। हाय फ्रेंड्स, हमको देखकर ये भाग गए, दैट डजेंट मैटर। लेकिन ये है हमारा मेडिकल कॉलेज, डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये है डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का ऑडिटोरियम, जो आप लोग देख ही सकते हो, और ये है हमारा बॉयज हॉस्टल। बॉयज हॉस्टल के सामने ही ऑडिटोरियम सिचुएटेड है एकदम। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं ये ऑडिटोरियम कैसा हुआ है, क्योंकि हम भी न्यू है, हम भी यहाँ पर फर्स्ट जा रहे हैं, एज इट इज टोटली एंटायरली न्यू ऑडिटोरियम। ये है एंटायर ऑडिटोरियम, अभी भी पूरा से क्रिएट नहीं हुआ है, सीट्स लगाना अभी भी बाकी है। आई थिंक लगभग 500 से 550 सीट कैपेसिटी होगा इस ऑडिटोरियम का। आलिशान हो रहा है, ये टोटल वुडन इंटीरियर है यहाँ पर। ये जो है स्टेज अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा और एक दो महीने के अंदर। ये था एंटायर ऑडिटोरियम।
यहाँ से कुछ व्यूज भी देख लेते हैं। ये है ऑडिटोरियम से हमारा, वो है हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये है हमारा हॉस्टल। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इस जगह पे इंटायर, ये जो एक स्विमिंग पूल नहीं है लेकिन एक पॉन्ड टाइप का है जो बहुत ही सुंदर लगता है। एंड ये रहा हमारा एकेडमिक बिल्डिंग। सो दिस इज आवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये देख रहे हो आप सभी लोग कोविड 19 हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार है। एंड ये जो है ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी नहीं, दिस इज आवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि भैया हॉस्पिटल का पेशेंट लोड क्या है, नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस टाइम पे पेशेंट लोड थोड़ा सा कम है हर एक हॉस्पिटल में ही, एक ही रीज़न है कोविड 19 की वजह से। तो चलिए देख लेते हैं बाकी सब हॉस्पिटल भी। और ये जो है ये वाला है गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्पिटल का अपोजिट में ही। गर्ल्स हॉस्टल में हम लोग जाकर नहीं दिखा सकते, वो तो आप सभी लोग जानते हो। सो बॉयज़ हॉस्टल में थोड़ी देर बाद दिखा रहा हूँ बॉयज़ हॉस्टल भी। ये है गर्ल्स हॉस्टल एंड यहाँ पर उस जगह पे आप लोग देख सकते हो, आई थिंक दैट इज CMO इज बिल्डिंग। एंड ये व्यू हॉस्पिटल का यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि हॉस्टल में कितने पर्सन्स रहते, कितना स्टूडेंट्स शेयर करके रहते हैं हॉस्टल। तो ये है हमारा एंटायर हॉस्टल, ये है हमारा लिफ्ट जो इस टाइम पे बंद पड़ा हुआ है कोरोना की वजह से, लेकिन आई थिंक आप सब जब आओगे तब ये लिफ्ट ओपन हो जाएगा। तब तक ये है एंटायर हॉस्टल लॉबी, 4 rooms ईच ग्रुप। ये पर्टिकुलर रूम है मेरा 413। तो ये 413 मेरा रूम में अब मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग ये एंटायर रूम का विजिट जो आप लोग चाहते थे। थोड़ा सा गंदा है क्योंकि आज ही मैं जलपाईगुड़ी से आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए बैठे हैं हमारे सिद्धार्थ एंड यहाँ पर सुमित, मतलब आपके सीनियर्स दो। और यहाँ पर बैठे हुए हैं शोभिक बोनिक, वीडियो के पहले आप लोगों ने ऑलरेडी हाय बोल दो शोभिक। तो हमारे सोविक विश्वास एंड सोनदीप यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या? ओ ह्यूमन एनाटॉमी ब्रेन, बहुत ही गंदा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट रूम में जो है 407, लास्ट रूम हमारे विजिट का। यहाँ पर बैठे हुए हैं हेमाल मुर्मू, यहाँ पर फिदा मल्लिक, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो हमारा प्रोफ एंड सेमिस्टर आ रहा है इसलिए यहाँ पर मेहरब बैठ कर पढ़ रहे हैं। ये भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है। यहाँ पर आपने व्लॉग में पिछले बार देखा था समरिक शॉर्टकर, वो कुछ नहीं कर रहे इस टाइम पे, रिलैक्स कर रहे हैं एज हम सिर्फ जलपाईगुड़ी से आए हैं इस टाइम पे। तो ये था छोटा मोटा टूर हमारा हॉस्टल रूम के। अगर आप लोग यहाँ पर ड्रम लेना चाहते हो वाटर के लिए, ये ले सकते हो। यहाँ पर चप्पल दानी कुछ रखना चाहते हो तो यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, दिस वॉज द कैंपस टूर ऑफ आवर मेडिकल कॉलेज डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। And obviously, thank you all of you for watching the entire video. Stay tuned with BioMedKit with Bonnie. I tried so hard and got so hard.